चलिए इसी बीच बात करते एक और बड़ी खबर की। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान झारखंड चुनाव में प्रचार करेंगे आज और कल। उनकी कई सभाएं वहां होने वाली, लगभग 7 सभाओं से ज्यादा सभाओं को वो संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे जाएंगे। आपको बता दें कि जब झारखंड चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी तब उसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था, लेकिन झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड जाएंगे। वे 10 और 11 दिसंबर को 7 सभाओं को संबोधित करेंगे। शिवराज 10 दिसंबर को सिमरिया, बरकट्टा, मांडू, बड़कावा गांव और रामगढ़ विधानसभा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं 11 दिसंबर को जमुआ और नाला विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा जाएगा। बता दें कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान झारखंड के 2 दिवसीय दौरे यानी आज और कल रहेंगे। इस दौरान कई सभाओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी तब उसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल नहीं था। तो बता दें कि झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में रहेंगे। इस दौरान वो कुल 7 सभाओं को संबोधित करेंगे। इसमें 10 तारीख को वो सिमरिया, बरकट्टा, मांडू, बड़कागांव और रामगढ़ विधानसभा में सभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं 11 दिसंबर को जमुआ और नाला विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक पंड्या जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, आज से 2 दिवसीय दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान झारखंड में रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जैसे कि झारखंड में विधानसभा के तीसरे चरण की पोलिंग होना है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहां कैंपेनिंग के लिए भेजा जा रहा है और 2 दिन वो, आज और कल 2 दिन वो झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन तकरीबन 7 सभाएं इन 2 दिनों में लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कि पहले जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था और तब पार्टी ने ये सफाई दी थी कि हमने किसी भी एक्स चीफ मिनिस्टर को इसमें शामिल नहीं किया, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों को शामिल नहीं किया है। ये बात उस समय कही गई थी और इसलिए शिवराज सिंह चौहान को किनारे रखा गया था। उसके बाद अभी 2 चरण का पोल हो गया, स्टार प्रचारक के रूप में नहीं लेकिन दूसरे रूप में शिवराज सिंह चौहान को प्रचारक के रूप में भेजा जा सकता था, लेकिन तब भी वो उनको प्रचार करने के लिए वहां नहीं भेजा गया और अब जबकि तीसरे चरण में उन्हें वहां भेजा जा रहा है तो इसके पीछे की क्या इश्यू हो सकती है, क्या स्ट्रेटजिक कारण हो सकता है, ये समझने की सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जो शिवराज सिंह चौहान 2 बार याद नहीं आए पार्टी को वो अभी अब जाके क्यों, और इसके पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में जब चुनाव हुए तब भी शिवराज सिंह चौहान को वहां प्रचार करने के लिए नहीं भेजा गया क्योंकि महाराष्ट्र में तो शिवराज सिंह चौहान के की ससुराल भी है और गोंदिया का जो इलाका है वहां पर शिवराज सिंह चौहान का अपना रिश्तेदारी है, ससुराल है और वहां उनका वजूद भी है, लोग उनको परिचय भी है और काफी उनका वर्चस्व भी है तो महाराष्ट्र में भेजा जा सकता था लेकिन शिवराज सिंह चौहान को महाराष्ट्र में नहीं भेजा गया, हरियाणा में भी नहीं भेजा गया और अब जाके भेजा गया है। तो एक बात तो ये समझ में आती है कि हाईकमान यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ जो उनके संबंधों में एक खटास चली आ रही थी उसमें थोड़ी सी कमी हुई है और कमी होने का ये मामला है कि उनको सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बात ये हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि शिवराज जिस तरीके से झारखंड में टफ फाइट हो रही है, शुरुआत में लग रहा था कि बीजेपी को बड़ा आसान होगा झारखंड का चुनाव में लड़ना, लेकिन बाद में वहां के समीकरणों को जैसे देख रहे हैं कि
बीजेपी को थोड़ा मुश्किल वहां पर जा रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी कोई भी अपना दाव नहीं आजमाना चाहती है, वहां अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहती है और हर तरीके के नेता को भेजना चाहती है, और इसीलिए एक मास लीडर के रूप में शिवराज सिंह चौहान की पहचान है और ऐसे में वहां इन्हें भेजा जा रहा है। चलिए आलोक जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से दो दिवसीय दौरे पर झारखंड में रहेंगे। तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव वहां होने हैं, ऐसे में उनकी भूमिका तय की गई है, स्टार प्रचारक उन्हें बनाया गया है। बता दें कि जब स्टार प्रचारक की लिस्ट आई थी तब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल नहीं था और दो चरणों के चुनाव में भी प्रचार के लिए वो झारखंड नहीं गए थे। साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था, लेकिन अब तीसरे चरण के झारखंड में जो चुनाव होने हैं उसे देखते हुए उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड भेजा जा रहा है।